शिमला में बहुत भारी बारिश पड़ने की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में शीत लहर शुरू हो गई है। ये ले पूड़िया, इसे खा ले, पूरा खा ले। अरे वाह, अरे यार ये तो पूरे शरीर में दर्द का संचार हो रहा है। भोलेनाथ, पुलिस वाले अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसके लिए ही मुझसे कमिश्नर साहब ने कहा है कि मैं रात में कानपुर के लिए रिपोर्टिंग करूं। क्यों ना तिवारी जी, रात को 12 बजे जब बहुत ठंड होती है, मैं आपका टीवी पे एक इंटरव्यू लूं। हम रात के शून्य तापमान में आपके सामने हाजिर हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। हमें तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। हम तो मैं बाकी बदले में 400 रुपया और एक एक बढ़िया तगड़ो मुर्गा दे। अबे ये बाबा जी कहाँ गए? बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, अरे यार कहाँ चले गए? जाना यार, अब ये बाबा जी को कहाँ ढूंढे? अगर नहीं मिले तो भाभी जी के सामने हमारी शानो शौकत, हमारी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जय भोलेनाथ। अरे अरे आइए, वाह 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 वाह, क्या बात है। देखिए आप तो अंतर्यामी हैं, अभी हमसे आप ही को याद कर रहे थे। कौन हो तुम? हम मनमोहन तिवारी। अच्छा, वही मनमोहन तिवारी ना जो पड़ोसन को लेकर भाग गया था। अरे यार उसकी तो नौबत ही नहीं आई। क्या कहा जी? हमने कहा कि वो मनमोहन तिवारी नहीं है, हम वो मनमोहन तिवारी हैं जो कल आपके पास आए थे। आपने हमें जोश गरम करने वाली पूड़िया दी थी, याद है? एक मिनट। अच्छा, तो तुम वो मनमोहन तिवारी हो? जी। क्या ना बच्चा, जब भोले बाबा का प्रसाद लेता हूँ तो दिमाग थोड़ा हिल जाता है। ओहो, तो बाबा फिर फौरन हमें जो है वो जोश गरम करने वाली पूड़िया दीजिए। क्या है कि आज हमारी इज्जत दांव पे लगी है। सॉरी बच्चा, पुड़िया तो खत्म हो चुकी है। खत्म हो गई? तो हम क्या करें? कल शाम तक का इंतजार कर ले बच्चा, कल शाम को नया पुड़िया बनाकर दे देंगे। यार लेकिन काम तो आज है, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। भाभी जी जल्दी आइए, भाभी जी हरी आप। विभूति जी, भाभी जी पटाखा लग रही हैं। क्या बोले? मेरे का भाभी जी कितना हसीन मौसम है, ये सर्द मौसम, ये घना कोहरा, रिक्शे पे आप और हम, हाउ रोमांटिक। आगे क्या करना है? रोमांस करना है। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी कपड़े सुखाने और क्या करना है। हाँ तो कैसे सुखाएंगे बताइए ना। भाभी जी जो तमाम कपड़े लेके आई हैं आप, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट कपड़ा कौन सा है जिसे आप सबसे पहले पहली फुर्सत में सुखाना चाहेंगे? लड़के भैया का कच्चा। बड़ा न्यूट, हाई न्यूट। भाभी जी बड़ा सिंपल है, देखिए डिजाइनर कच्चा। एनीवे अब भाभी जी मैं कह रहा था कि इसको आप ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे ऐसे पकड़िए और इसको ऐसे पकड़ के आप रिक्शे बैठ जाइए और झंडे की तरह फहराइए इसको, ऐसे 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 ऐसे, ये ऑटोमेटिकली सूख जाएगा भाभी जी। कम सूख जाएगा? Of course भाभी जी। This is my device. Okay. चलो चलो शाबाश, चल बेटा चलो चल। चलिए ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, हाँ ऐसे, हाँ उधर उधर, हाँ ऐसे, ये दस। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में है, नैनों में
से नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का हाय धड़का धड़का हाय, पहले पहल तुझे देखा तो दिल। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, भाभी जी लड्डू के भैया कच्चा सूख गया। हाँ हाँ अरे कच्चा तो काफी सूख गया है, लेकिन भरभूति जी गाना आप किसके नैनों के लिए गा रहे थे? बेलू के नैनों के लिए गा रहा था भाभी जी। अरे यार अब हम क्या बोले, अब अगर हमने भाभी जी से कोई बहाना नहीं मारा तो ठंड से हमारा पुलिंदा बंध जाएगा और भाभी जी के सामने हमारी इज्जत के तोते उड़ेंगे सो अलग। क्या करें यार, ठीक है कोशिश करते हैं किसी भी तरह से कि भाभी जी ये प्रोग्राम कैंसिल कर दे। हाँ भाभी जी घर पर हैं। जल्दी आइए, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। आइए आइए तिवारी जी, द स्टील मैन ऑफ कानपुर। काहे के स्टील मैन भाभी जी? अरे ऐसा क्यों बोल रहे तिवारी जी आप? अरे एक आप ही तो हैं पूरे के पूरे कानपुर में जिसका कड़कड़ाती ठंड भी कुछ नहीं कर सकती। ये तो हम ही जानते हैं भाभी जी कि ये उस बाबा जी की पुड़िया का असर है, वरना ऐसी ठंड में तो हमारे बाजे बच जाएं। पता है तिवारी जी, मैं ना आज रात का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अरे यार ये भाभी जी तो पूरी तैयारी के साथ बैठी है। तिवारी जी फिर से होठ आपके ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे, जोर से बोलिए। नहीं भाभी जी हमने कहा कि थोड़ा इंतजार कर ले तो तापमान में थोड़ी और गिरावट आ जाएगी तो इंटरव्यू देने में और आनंद आएगा। सर जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे रात को 12 बजे तो 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, उससे कम क्या होगा? नहीं भाभी जी हम कह रहे थे कि अगर 2-4 दिन वेट कर ले तो टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा तो ज्यादा। नहीं 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 मौसम का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता गर्मी पड़ जाए। अरे भाभी जी अभी तो पूरा जनवरी पड़ा है। आपको याद है ना देवारी जी पिछली जनवरी क्या हुआ था, बिल्कुल ठंड नहीं पड़ी थी। नहीं नहीं मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, आपका इंटरव्यू तो आज होगा ही होगा। जी भाभी जी तिवारी जी यू बेटर बी ऑन टाइम, रात को 12 बजे आप आइएगा पतली सी टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर।
You'll be interviewed by me. What are you doing? क्या कर रहे हैं? नहीं, दरअसल देख रहे थे कि हीटर किस कंपनी का है. चलते हैं भाभी जी. I'm super excited about this interview. कपड़े कौन चुरा ले गया मैं? अरे कौन ले गया मैं कपड़े? हाँ अम्मा जी, हाँ हम तो हल्दी का दूध पी लिए हैं. हाँ हाँ हम अपने लिए गर्म कपड़े ले लिए हैं, पहन भी लिए हैं. हाँ लड्डू के भैया के लिए भी ले लिए हैं. अरे यार ये हमने क्या तोता पाल लिया. एक तो उस बाबा ने एन वक्त पर हमें धोखा दे दिया. अब अगर हम भाभी जी को इंटरव्यू देने जाएंगे तो हमारी कुल्फी बनना तो तय है, और अगर नहीं गए तो हमारी किरकिरी हो जाएगी. हाँ अम्मा जी, आपको बाद में कॉल करते, आराम कीजिए. प्रणाम. अच्छा नहीं लड्डू के भैया यहाँ आइए. क्या है पगली? कपड़े पहने हैं और क्या पहने पगले? हाँ वो तो हमको दिख रहा है कि आप कपड़े पहने हैं, लेकिन कच्चा बनियान में कहाँ है घूम रहे हैं? आपको ठंडा ही लग रहा है का? ठंड बुड्ढों को लगती है, हमारे जैसे जवानों को नहीं. अब तुम चुपचाप सोई जाओ, हम जरा बाहर घूम के आते हैं. आदिया, इतनी रात को इतनी ठंड में का आप नाइटी वॉक पर जाएंगे? वो नाइटी वॉक नहीं, नाइट वॉक होता है पगली. हाँ सही पकड़े हैं, बाहर बहुत ठंड है लड्डू के भैया. हमने कहा ना हमें ठंड नहीं लगती. हा? तुम सो जाओ पगली, हम जरा घूम के आते. सुनिए ना, हम भी चले का आपके साथ भाग पर. तुम सो जाओ पगली, हम 10-15 मिनट में घूम के आते हैं. चलते है ना? नहीं सो जाओ, सो जाओ. चलते है ना लड्डू के भैया? सो जाओ, सो जाओ. चलते सक्सेना जी, मेरा लुक ठीक है ना? हाँ भाई मां, बिल्कुल व्यू फाइंडर में परफेक्ट दिख रहा है. हे भगवान, कितनी ठंड है. आज तो हमारे तोते उड़ने वाले हैं. पता नहीं तिवारी जी नहीं आए. भाई मां उनको ठंड लग गई होगी. अरे नहीं नहीं, तिवारी जी को ठंड छू भी नहीं सकती, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. आई डाउट. अरे तिवारी जी गुड गुड, आप आ गए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे. क्या आपको क्या ठंड लग रही है क्या? अरे नहीं भाभी जी, बिल्कुल नहीं, बल्कि तो हमारे अंदर की गर्मी है जो है तो जोर मार रही है भाभी जी. हमें तो लग रहा ठंड थोड़ी कम हो गई है भाभी जी. अरे क्या बात कर रहे तिवारी जी, आज तो बहुत ठंड है. अब वो बात अलग है कि आपको ठंड नहीं लग रही है. हां जी वो तो है. आई तो शुरू करें इंटरव्यू जी? बिल्कुल, यस व्हाई नॉट. सक्सेना जी रेडी? जी भाभी मां बिल्कुल रेडी. हेलो कानपुर, रात के रिपोर्टर प्रोग्राम में मैं अनीता मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ, और मेरे साथ है मेरे कैमरामैन अनोखे लाल सक्सेना. आई लाइक इट. जैसा कि आप जानते हैं, आज एक ऐसे शख्स से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ जो दिखने में तो बहुत साधारण है लेकिन है बहुत अद्भुत. वो इतना स्ट्रांग है कि कानपुर की ठंड उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती. जहां ठंड की वजह से आप सब लोग अपनी अपनी रजाइयों के अंदर दुबक के बैठे हुए हैं, वहीं ये इंसान एक पतली सी बनियान और हाफ पैंट, माफ कीजिएगा, कच्छे में खुले आसमान के नीचे नाइट वॉक कर रहा है. आइए जानते हैं शख्स से कि आखिर उसकी इस अंदरूनी गर्मी के पीछे क्या राज है. हेलो कानपुर. सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए. जी हमारा नाम मनमोहन तिवारी है.
तिवारी जी आप क्या करते हैं? जी दाल मंडी में हमारा कच्चे बनियान का खुक शॉप है। वेरी गुड। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जहाँ कानपुर में हड्डियां गलाने वाली ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से सब अपनी अपनी रजाइयों में हैं, आप पर ठंड का कोई असर नहीं है, इसके पीछे क्या राज है? जी ये हमारे अंदर का जोश है, हमारे अंदर की जवानी है। लेकिन ऐसे तो कई जवान लोग हैं जिन्हें बहुत ठंड लग रही है। जी हो सकता है उनके अंदर जोश की कमी हो। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपके अंदर जोश कैसे आता है? जी आपको देखकर। जी मतलब आपको देखकर, इन्हें देखकर, कानपुर की पूरी जनता को देखकर, जिन्हें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने वो गिफ्ट नहीं दिए हैं जो हमें दिए हैं। वो क्या है कि ऊपर वाला जो बहुत सारे लोगों में से किसी एक को चुनता है, तो उसने हमें चुना है गर्मी फैलाने के लिए। वाह वाह क्या बात। तो इसी बात पे आप हमारे दर्शकों को एक जोश से भरा हुआ डांस दिखाइए। डांस मतलब डांस भी करना पड़ेगा? बाबा इस दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया, तुमको हम पे प्यार आया, प्यार आया, ओए हमको तुम पे प्यार आया, प्यार आया। अबो खुदा। जो कर रहा है तो फैला रहे हो भैया, इतने हम ड्यूटी कर रहे हैं और इतने आप रेपो। गोरी मैम नमस्ते। क्या बात है हप्पू सिंह जी, आज आपका कंबल नहीं? ना ना गोरी मैम, आज हमें ऐसा फील हो रहा हो तो कि हमें बिल्कुल बुखार नहीं है, तो हमने सोची चलो जान लड़ा देंगे ड्यूटी में। हम आपको यही बताने आई थी कि देखो हम कितनी मुस्तैदी से ड्यूटी पे लगे हैं। तो एक सेकंड आप हमें दो भैया, सब कानपुर वालों को हम कैमरा उधर। अच्छा सॉरी। तो भैया कानपुर वालों, हम आओ सबसे जो कहनो है कि चिंता ना करियो हमारे रहते, हमने सारे जितने चोर उचक्का आते सबके गुर्दा छील रहे हैं। झूठ कह रहा है ये आदमी, गुइया चोर पकड़े हैं इसने। कब पकड़े जुमार साहब? ठीक कह रहा हूँ, कल रात एक चोर मेरे ऊपर से रजाई ले गया और आज रात को भी रजाई ले गया। अरे बाप रे, हमें ठंड में तो हमारे तोते उड़ा दिए। अगुरे अगुरे दरवाजा खोलो, अगुरे। यार ये दरवाजा तो अंदर से बंद हो गया और चाबी भी अंदर ही रह गई। अब अंगूरी तो घोड़े बेचकर सो रही होगी। खुला है, खुला है, खुला है। आए बच गया। ये आदमी देखो कैसे चैन की नींद सो रहा है। भाभी जी की नाइटी।
गुड नाइट गुड नाइट। एक पैर इधर एक पैर उधर। अरे विपु के साथ कोई और सो रहा है क्या? कौन है, कहीं गुलफाम गली तो नहीं है? विपु विपु विपु